वीडियो नहीं दिखाने वाली तुम लोग को बट फास्ट फॉरवर्ड ही करूंगी क्योंकि मुझे गाने भी सुनने का गाइस। सो आई फास्ट फॉरवर्ड नाउ। रेडी वर्स टाइम जिसने भी कॉल किया मुझे। सो आई माई सेल्फ कैन नॉट बिलीव हाउ डिफरेंट आई एम लुकिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ द लेंसेज एंड द कलर ऑफ कोर्स। आई एम नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ। आई माइट जस्ट रिमूव द लेंसेज बिकॉज इट्स जस्ट गेटिंग टू मच फॉर मी राइट नाउ टू डाइजेस्ट। चॉप मेरा फोन वॉशरूम क्वाइट। सो राइट नाउ द प्लान इज टू गो एंड गेट माई नेल्स डन। करंट सिचुएशन। सो मेरा एक नेल टूट चुका है ऑलरेडी एंड आई नीड टू गेट माई नेल्स डन। मेरे को वैसे भी चेंज कराने थे, नहीं भी टूटता तो भी बिकॉज हो गया इसको टाइम, डन एंड डस्टेड। एंड आई थिंक आफ्टर दिस मंथ आई एम गोना लीव माई नेल्स फॉर अबाउट 1 to 2 months जस्ट टू लेट देम ब्रीथ। लाइक इट्स बीन रियली लॉन्ग दैट आई बीन गेटिंग एक्सटेंशंस डन। सो दैट इज द प्लान फॉर टुडे, गेटिंग माई एक्सटेंशंस डन। एंड second thing that I don't know, I also need to shop a bit but I don't know where I'm going. आस पास कुछ shopping का होगा कि नहीं because I just don't know. And rest I'll keep you guys updated. Let's go. So I'm in cab right now and मैंने lenses नहीं उतारे because मैंने मम्मा से पूछा कि मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, odd लग रही हूँ, तो she said कि तू क्या video बना रही है। मैंने बोला transformation week का videos, तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली तो ट्रांसफॉर्मेशन लगना चाहिए। तो फिर मैंने बोला ये तो आपने सही बोला, तो फिर मैं पहन ही आई हूँ लेकिन मैं थोड़ी देर में बता दूँगी कि ज़्यादा देर मेरे को इरिटेट करता है इसमें थोड़ा सा। सो लेट्स गो विद माय ब्रोकन क्लॉक। सो गाइज आई एम फाइनली हियर एंड मैं आऊँ सोनम एंड सोनाली के साथ। एंड मैं कुछ भी सोच के नहीं आई हूँ बिकॉज ये लोग हमेशा मेरा माइंड चेंज कर देते हैं, इतनी सारे डिजाइन दिखाते हैं कि मेरा होता है ये, तो मैं कुछ और ही करके जाती हूँ। जब भी आती हूँ कुछ सोच के आती हूँ और करके कुछ जाती हूँ। तो मेरे को कुछ बोलना है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स कुछ सोच के ना आए एंड वी थिंक कि हम उन्हें बेस्ट देना। अगर वो लेकर आएंगे तो हम उससे बेस्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है प्रशांत यू नो प्रीटी कूल और आशी के डिजाइन तो वैसे काफी फेमस होते हैं। और यहाँ पे मेरा इतना मुझे बैकड्रॉप इतना अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ हर बार इंट्रो यहीं पे भाग के आऊँ, इंट्रो करूँ यूट्यूब वीडियो को और फिर भाग जाओ घर पे। ये हमने बनाया इसके लिए, शी इज पिंकी पिंकी बबली गर्ल। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मेरी ये हो चुकी है, वो हट गया नेल्स। बिकॉज दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो हमें ब्रेक में काम करना पड़ता है। एंड अभी हम फूड ब्रेक लिए, तो अभी हमने ऑर्डर करा है और बहुत चिल कस्टमर आते हैं, बहुत चिल है सोनम, तो हम बिल्कुल ऑर्डर करके अब साथ में खाएंगे और उसके बाद वापस इसको कंटिन्यू करेंगे।
सो गाइस फाइनली होम एंड आई डोंट नो लगता नहीं है बट इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब टू गेट नेल्स डन आई टॉक अबाउट दिस बट फर्स्ट बेनी टाइम location guys the OG location also if you haven't washed the nails yet so these are my nails current nails this is basically a dried flower dikh kyun nahi raha hai main baar baar focus nahi kar sakti hu okay na dikh raha yes focus so these are my nails ye ek dried flower hai main bahut pehli baar karaya hai acha sa lag raha hai because I always go for pastels otherwise and I can't do this again and again for focus. So I always usually go for pastels because that is my kind of thing. Like pastels, nudes and subtle. मैं बहुत नहीं करा सकती हूँ. So अब जैसे आपको पता है मैं ready हूँ तो मैं TikTok तो बनाऊँगी ही एक दो. Because मेरा ऐसे ही रहता है मैं ready होती हूँ तो ही बना लेती हूँ. Specially ready नहीं हो पाती मैं for TikToks. And कल Rishabh is coming over and we are filming another video for my YouTube and I think I'm gonna vlog a bit tomorrow as well like for this vlog because अभी तो ये बहुत छोटा vlog है but ये मैंने पिछले video में भी बोल दिया था कि ये वाले जो मेरे vlogs हैं छोटे वाले होने वाला है because it's a series and there might be a part 3 to this as well there might or might not be I'm not yet sure but I think I'll make something लाइक बर्थडे के बाद लाइक पोस्ट बर्थडे और ऑन माई बर्थडे सो स्टे ट्यून्ड आई डोंट नो येट आई डोंट नो आई एम सो टायर्ड गाइस टुडे मैंने कुछ किया भी नहीं है मैं लिटरली वहाँ बैठी हूँ बट एक्चुअली द थिंग इज कि वेन यू आर सिटिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर सो मेनी आवर्स मेरे को आज लग गए हैं 3.5-4 hours फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इतना लॉन्ग लगा इट मे इट आई थिंक इट वॉज बिकॉज इट वॉज द रश आर देयर एंड काफ़ी ज़्यादा लोग थे सो आई थिंक इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया यूजली इट टेक्स 1.5-2 घंटा सो आई डोंट नो इतना टाइम क्यों लग गया आज बट आई एम रियली टायर्ड प्लस दीज लेंसेज मेक मी फील सो ड्राउजी एंड इसलिए बहुत नींद सी आ रही है बहुत थकान महसूस हो रही है बिना कुछ करे इफ यू नो मी यू नीड टू नो हाउ मच आई लव स्ट्रॉबेरी शेक अभी घर का तो अलग ही टेस्ट थी मूछी बन गई Yummy. Okay, so now time to remove the lenses. I thought, why not to remove them in front of you. Where do I keep my camera? Washroom jaati hu. I continue tomorrow and I hope that you are liking this series because it's not anything that I usually do because jab bhi mera koi vlog bhi rehta hai it has a theme attached to it like kuch na kuch rehta hai but ye mera ek just for fun and just I wanted to be myself and just wanted to take you guys along with whatever I'm doing for my birthday so it's just a casual thing going on here on my channel ye and the pichla wala vlog so let me know if you guys are really liking this because I am like I'll be really happy to do more of these for you like random casual vlogs of what I generally or usually do in my life so yes and ab kal milti hu so guys it's the very next day and jaisa ki maine bola tha
Oishu boy is here and today we are shooting for another very fun video on YouTube. So, मेरा 3 दिन लगातार continuous YouTube shoot हुआ है जो आज हो रहा है shoot हम आपको बताएंगे नहीं you will have to watch it on my channel. And that उसके लिए बहुत excited हूँ but yes me also because it's you know something experimental so हम दोनों को नहीं पता कि कैसी बनेगी video but I am sure कि fun होएगी जो भी होएगी so I think next video after this will be that if next to next you guys will get to know मेरे एक कपड़े होंगे so yes also quick update about my room मेरे frames जो 100 साल से खाली पड़े थे मम्मी ने अपनी fashion designing skills को use करके इसमें कुछ ना कुछ बनाया है जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है बाय द वे मॉम ने फैशन डिजाइनिंग की हुई है इफ यू गाइस डिडंट नो दैट अबाउट हर मेरी मम्मा ने भी वाओ टूनी मॉम्स ये पंखा है इसने भी खरीदी बेनी इज आल्सो फैशन डिजाइनर ओके कंपटीशन सो गाइस हम आए थे लिल फ्ली फेस्ट एंड बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है हम जैसे ही टिकट खरीदने गए एग्जैक्ट हम काउंटर पे खड़े थे बस मैं हम ऐसे कैश दे ही रहे थे और उसी टाइम पे बारिश हो गई और सारे लोग भाग आए जितने भी लोग थे वो भाग गए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई है बहुत तेज दिल्ली इज अनप्रेडिक्टेबल में एकदम से बारिश हुई है और ये कोई सीजन नहीं है बारिश का बहुत तेज बारिश हो गई है सो गाइस मेरा व्लॉग भी फिर से रह गया इस दिन का भी एक बार देख लो आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं बट आवाज फट चुकी है फट चुके आगे व्हाट हम यहां आके फट चुके हैं कांट डू एनीथिंग व्हाट टू डू व्लॉग एंड और तो हमें मजा आ गया इस फेस्ट में आके इतना मजा हमें किसी फेस्ट में नहीं आया बहुत अमेजिंग था क्योंकि हम आए हमने टिकट लेने वाले थे हम भागे हैं कुत्ते ऐसे पीछे भैया से टिकट दे रहे थे हम भाग गए पीछे उल्टा शेड के अंदर अभी देखो बिजली कड़क रही है तो हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है बहुत मजा आ गया तुमको जाना पड़ रहा है इतना ज्यादा मजा नहीं बेस्ट फेस्ट एवर लेट्स मूव फास्ट अब हम मैंडी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो कैब में थी तो हम उसी कैब में बैठ के यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं बाय ऑल बाय ये है मेरा वेपन फॉर बारिश और ये है ऋषि का वेपन क्योंकि हम कुछ नहीं लाया चाहता हूँ ना तो ये बैग खराब हो गया मतलब इस जैकेट में पे चढ़ा दिया बेस्ट लगा बेस्ट फेस्ट अभी तो रोक 10 बार बोलूंगी भाई पूरे टाइम पे गाइस हम जिस दिन आज मैं सो हमने प्लान किया घर से निकलते और उस दिन बारिश हुई सच में लव दिल्ली अनएक्सपेक्टेड 100 साल बाद कोऑर्डिनेट करने का चुप रहना थोड़ी देर 100 साल कोऑर्डिनेट करने के बाद हमें मैंडी मिल चुकी है फाइनली और हमें बारिश से बचाया इतनी डार्क हो रहा है हाँ लेकिन 100 साल बाद जब हम ऑलरेडी भीग चुके हैं बहुत बहुत लेट हो गया और गाइस हमारी करंट हालत बहुत ही ये क्या भाई नियोन हाँ करंट हालत हमारे बाल वाओ नाइस लाइट हमारे बाल बाल चिपक चुके हैं सब कुछ खराब हो चुका है हाइलाइटर क्या चमक रहा है इसका मास्टर क्रोम मेरे भी लगा है इंटरेस्ट लग रहा है मुझे तो गाइस अब हम जा रहे हैं दिल्ली का अड्डा सीपी खाने कैच अस देयर जब भी आप व्लॉग देखोगे तब आ जाना मैं वहीं हूं बैठी हूं फॉर यू फॉर यू क्या Oh,
गाइस मैंने इसकी गेम बहुत खराब कर दी है, मैं बेचारा खेलने की कोशिश कर रहा है बट मैं हाथ से हैंडबॉल खेल रही हूँ। बनाओ ना, मैं असली खेलूंगी। गाइस देख लो कैसे खेलने वाली है। गाइस ये डंडा होता है, इसको यूं रख लेते हैं। ओहो और यूं कर लेते हैं। गाइस आशी प्रो प्लेयर है हमारी, कम ऑन आशी कैन डू इट। मेरे हाथ में एक बॉल पकड़ो, यूं मारो, सब दो तीन को लगनी चाहिए, सब में एक लगे और बहुत कुछ खाना खा लिया है। हम बहुत सैड हैं कि आज दिल्ली की बारिश ने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया, ना हम फेस्ट जा पाए अच्छे से, ना हम खाने, और अभी हम सोचा चलो बारिश रुक गए वापस फेस्ट चल लेते, हम पास में थे। इट्स रेनिंग अगेन, बहुत तेज वो भी, तो अभी हमने बहुत कुछ ठूस लिया है दुख में, एक्चुअली दुख में बहुत खा लिया और हम वापस घर जा रहे हैं। दैट्स अ सैड डे गाइस, वन सैड डे, बेस्ट प्लान। So guys, I'm ending my vlog here officially. If you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel. And मैं हर दिन वीडियो ऐसा करूँगा। हाँ, तो इसको permanent नीचे रखा हुआ है मैंने, prompt. Like and subscribe to my channel and don't forget to share this link on your stories. And I'll be back with more such videos. Bye.